मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लगातार प्रदेश की मोहन सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। कर्मचारी पिछले 10 महीने से 4% डीए मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार मांग पत्र सौंपे, धरना दिया, यहां तक कि कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन कर्मचारियों को डीए नहीं मिल सका। अब दीपावली से पहले एक बार फिर कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। अलग अलग कर्मचारियों के संगठनों ने दीपावली से पहले सरकार से डीए की किश्त देने की मांग करते हुए आंदोलन करने का ऐलान किया है। अब इसमें सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कर्मचारियों को अब कांग्रेस का साथ मिल गया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर दीपावली से पहले डीए देने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में अपने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया था और यही बढ़ोतरी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में भी होनी थी, लेकिन सरकार ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यानी 7,50,000 कर्मचारियों को और 4.5 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत भत्ते का नुकसान हो रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने पत्र में लिखा है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश पहले ही अपने कर्मचारियों को ये लाभ दे चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन भोगी इस लाभ से अभी भी वंचित हैं, जिससे उनके परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। कटारे ने कहा कि दीपावली नजदीक है तो सभी के लिए विशेष अवसर है, ऐसे में कर्मचारियों को उनका हक मिलना जरूरी है ताकि वो भी त्योहार को खुशी और उत्साह के साथ मना सकें। अब देखना यही है कि क्या सरकार इनकी मांग सुनती है या नहीं और कांग्रेस इस पूरे मामले पर अब आगे क्या करती है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।